प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ स्पीड से। और हमारा क्वेश्चन यह है कि आप मोटर बाइक इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इस पे फाइंड ये करना है कि एक्सप्रेस करना है द स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट एंड मीटर पर सेकंड। जबकि बी पार्ट में हमने क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर और सेकेंड है जी 30 मिनट्स। तो देखें, हमें बताया यूं जा रहा है सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे कि एक मोटर बाइक है जिसकी स्पीड जो है, मतलब हम जानते हैं स्पीड एक रेट है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम। इसकी स्पीड जो है वह है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 40 किलोमीटर का फासला ये तय कर रहा है बाइक एक घंटे में। ठीक है, हमें ए पार्ट में ये बताना है कि ये एक मिनट में कितने किलोमीटर का फासला तय करेगा, मतलब स्पीड बतानी है, और एक सेकेंड में कितने मीटर का फासला तय कर रहा है, मतलब इसमें भी स्पीड आप मीटर पर सेकेंड्स में बता रहे होंगे। तो जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो है वो इक्वल टू होता है 1000 मीटर्स के, ठीक है, और 1 आवर जो है वो इक्वल टू होता है 60 मिनट्स के, और ये बात हम जानते हैं कि 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल है, तो फिर 1 आवर जो है वो इक्वल टू बन जाएगा 3600 सेकेंड्स के। ठीक है, तो देखिए ए पार्ट में जो किलोमीटर पर मिनट में हमने स्पीड फाइंड करनी है, इसके लिए हम v इज इक्वल टू लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय 1 आवर। ठीक है जी, अब हम इसमें इनकी वैल्यूज को अगर पुट कर लें तो v इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर, चूंकि 1 किलोमीटर पर मिनट्स में लानी, और डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 0 0 से कैंसिल, और 2 3 टाइम 6, 2 2 4, तो हमारा आंसर जो है v इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, किलोमीटर को मैं जरा नीट करके लिख देता हूँ, किलोमीटर पर मिनट्स। तो ये स्पीड हमारी इस यूनिट्स में आ गई। अब इसी तरह अगर हम जो है वो मीटर पर सेकंड में लाना चाह रहे हैं तो v इज इक्वल टू हम लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय 1 आवर। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, मतलब रिप्लेस कर लेते हैं 1 किलोमीटर के साथ 1000 मीटर्स को, और 1 आवर्स की जगह 1 आवर की जगह 3600 सेकेंड्स को। और इसे अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे ये जीरोस इन जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 100 से दोनों डिवाइड हो गए, फिर 2 के टेबल से 2 18 से मल्टीप्लाई हो 36 आता, और 2 5 से मल्टीप्लाई हो तो 10 आता है, और फिर मजीद आप देखें तो ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं कि 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 18 आता है, और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है। तो v हमारे पास जो स्पीड है वो आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाय 500 ओवर 9 मीटर, मीटर्स को मैं दोबारा लिखता हूँ, मीटर्स पर सेकंड। तो इस तरह से आपने ये स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में तब्दील कर ली। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं जी, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आपने डिस्टेंस बताना है कि कितना ट्रेवल्ड हुआ है अगर 5 आवर टाइम हो, और सेकंड पार्ट में कहा अगर 30 मिनट टाइम हो। ठीक है, तो पहले पार्ट को कर लेते हैं हम, और स्पीड हमारे चूंकि ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, हम इसी को यूज करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी पार्ट के लिए, ठीक है, v इज इक्वल टू है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, टाइम जो बताया जा रहा है वो है 5 आवर्स का। ठीक है, यहाँ पे h को मैं, चले आवर्स को h4 भी लिख सकते हैं, वैसे h लिख रहे होते हैं हम, h ही लिख देते हैं यहाँ पर, ये मैं रेस कर देता हूँ r, और डिस्टेंस हमने फाइंड करना है s। फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं कि v इक्वल टू s ओवर t, और यहाँ से हमने s अगर फाइंड करना है तो t दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन, ये इस तरह से बन जाएगा कि हम इसे लिख सकते हैं v मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू s, मतलब t 1/t का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स t है, इसे हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये t t से यहाँ से कैंसिल हो गया। s इज इक्वल टू v, v की वैल्यू हम लिखेंगे 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमारा कितना है 5 आवर। तो देखें, एक तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से, आवर से कैंसिल, तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू 45 से मल्टीप्लाई होगा 200 किलोमीटर्स। इसी तरह अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो लेकिन जब टाइम हमें मिनट्स में गिवन है, तो हम
जो हमने कन्वर्ट किया हुआ है स्पीड के यूनिट्स को किलोमीटर पर मिनट्स में, हम ये वैल्यू वी की यूज करेंगे, ठीक है, इसी फार्मूला में। ये आपकी असाइनमेंट होगी, आप इसे खुद कैलकुलेट करके देखिएगा कि क्या आंसर आता है।